वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने बैकयार्ड किचन गार्डन में उपस्थित हूँ और यहाँ पे लगी हुई हैं सब्जियाँ। तो अभी मैं आई हूँ सब्जियों को हार्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सब्जियाँ लगी हैं गार्डन में और उन्हें करती हूँ हार्वेस्ट। तो यहाँ पे लगे हुए हैं टमाटर, तो मैं इन्हें करूँगी हार्वेस्ट। और थोड़े टमाटर यहाँ पर लगे हुए हैं जो पक गए हैं, तो उन्हें ही मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो इस टमाटर का ये पौधा हमने ठंडियों में लगा रखा था, तो इससे मैंने ठंड में भी हार्वेस्टिंग की। अक्टूबर महीने में एक्चुअल में लगाया था, तो इससे मैं पूरी ठंड भर भी हार्वेस्टिंग ली। फिर दोबारा गर्मी में फिर से इसमें से नए टमाटर लगे हैं अभी गर्मी में, तो इससे भी मैं देखिए किस तरह से हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। और यहाँ पे लगा है पत्ता गोभी, तो इन्हें भी मैं कर लेती हूँ हार्वेस्ट। तो पत्ता गोभी भी मैंने कर लिया हार्वेस्ट। और यहाँ पे लगी है देखिए मिर्ची, तो इन्हें भी हार्वेस्ट करूँगी यहाँ पे। और ब्रिंजाल भी काफ़ी लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ब्रिंजाल को भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो ये रहा ब्रिंजाल, देखिए अगर मैं हार्वेस्ट नहीं करूंगी तो सारे हो जाएंगे गर्मी में, बहुत जल्दी ही ये हार्ड हो जा रहे हैं और फ्रूटिंग भी काफ़ी हो रही है। तो काफ़ी ब्रिंजाल लगा हुआ है देखिए, हर तीसरे दिन इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है और मुझे पर्याप्त बैंगन मेरे गार्डन से मिल रहे हैं। तो इसे हमने अक्टूबर महीने में ही जब अन्य पौधों को लगा रही थी जैसे कि गोभी, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी इत्यादि जब लगा रही थी, तो उसी समय मैंने ये बैंगन के प्लांट भी लगाए थे और मैं इससे 7-8 बार हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए ये हार्ड हो गया, इसे मैं नहीं हार्वेस्ट करूँगी। तो इस टाइप से जो हार्ड बैंगन हो जा रहे हैं, तो यहाँ लगा हुआ है देखिए मिर्ची, तो इस मिर्ची को भी मैं अक्सर ही हार्वेस्ट कर रही हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन इसकी भी हार्वेस्टिंग हो रही है और नए नए मिर्चियाँ इसकी लगती जा रही हैं। तो मैंने ये 1 साल से ऊपर हो गया इस पौधे को लगाए, जब से हर उसके 2 महीने के बाद से ही फ्रूटिंग होना शुरू हो गया और मैं काफ़ी मिर्ची 8 महीने से इससे ही मिर्ची तोड़ रही हूँ। मुझे एक भी मिर्ची मार्केट से नहीं खरीदनी पड़ी। और यहाँ पर देखिए ये जो पौधे ये नए हैं जो हमने फरवरी में लगाए थे, फरवरी नहीं ये अक्टूबर में ही लगाया था हमने, तो ये पूरे इसके भी हो गए
छः महीने, और ये इसमें देखिए फ्रूटिंग हो रही है, देखिए सारी। और हमने इसमें से कुछ पहले भी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, तो इस पौधों को छः महीना, ये जो पौधे हैं ये सारे हमने अक्टूबर में ही लगाए थे, खुद ही अपनी बीज से तैयार की थी इसका पौध। तो अभी इसमें जैसे जैसे मैं मस्टर्ड के लिक्विड डालूँगी और इसमें आर्गेनिक खाद डालूँगी, वैसे ही मुझे काफ़ी मिर्ची तोड़ने को मिलेगी, इसमें से पौधा हेल्दी हो जाएगा। और भी अभी तो ये कमज़ोर हैं, धीरे धीरे इसका ग्रोथ और अच्छा होगा। तो यहाँ तेज पत्ता है, इन्हें भी थोड़ा ले लेती हूँ। सब्जी बनाते समय इसका प्रयोग सब्जी के लिए या ब्लैक टी बनाने में करती हूँ। तो ये रहा तेज पत्ता और थोड़ी सी करी पत्ता। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए